Good morning, kids. How are you all? I hope you all are doing great. So today, ma'am will tell you a story. And the name of the story is Bandar Ki Hansi. What is the name of the story? Bandar Ki Hansi. Ek baar ek bandar tha. Uska naam Minku tha. Minku hamesha हंसता रहता था. जब वह खेलता तब हंसता, जब उसको अपना मन पसंद खाना मिलता वह तब हंसता, और जब वह स्कूल जाता तब तो वह बहुत ही ज़्यादा हंसता था. मिंकू को हंसना बहुत ही पसंद था. एक दिन मिंकू अपनी दोस्त बतख और चुहिया के साथ खेल रहा था. मिंकू को खेलने में बहुत ही मजा आ रहा था, इसीलिए वह जोर जोर से हंस रहा था. फिर अचानक क्या हुआ, मिंकू को चुहिया कहती है, अरे मिंकू तुम्हारा दांत कहाँ गया? चुहिया की बात सुनकर सब दोस्त मिंकू को देखने लगे. अब क्या था, मिंकू उदास हो गया. लगता है मेरा दांत खेलते खेलते गिर गया. अचानक से मिंकू की हंसी जैसे कहीं गुम हो गई. मिंकू बोलने लगा, अरे अब मुझे लगता है मैं कभी हंस नहीं पाऊंगा. क्या तुम सब मेरे दांत ढूंढने में मदद करोगे? तो क्या था, इतना सुनते ही मिंकू के सभी दोस्त उसकी मदद करने लगे. इतना सुनते ही बतख पेड़ के पास जाकर मिंकू का दांत ढूंढने लगी, और चूहिया भी उसका दांत ढूंढने लगी. खुद मिंकू भी अपना दांत ढूंढ रहा था. फिर थोड़ी देर बाद मिंकू ने आवाज़ लगाई, अरे बतख तुमको मेरा दांत मिला क्या? बतख ने कहा, नहीं मिंकू मुझे अभी तुम्हारा दांत नहीं मिला. फिर मिंकू ने चुहिया से पूछा, अरे चुहिया क्या तुम्हें मेरा दांत मिला? चुहिया ने कहा, नहीं अभी मिंकू मुझे तुम्हारा दांत नहीं मिला. तभी एक ज़ोर से आवाज़ आई, अरे मिंकू मुझे तुम्हारा दांत मिल गया. ऐसा किसने कहा? ऐसा बतख ने कहा. अब बतख को मिंकू का दांत मिल गया. मिंकू भागकर बतख के पास गया और उसको कहने लगा, क्या कहने लगा, धन्यवाद. मिंकू ने बतख को धन्यवाद कहा और मिंकू फिर से हंसने लगा. तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, और जब हमारे दोस्त हमारी मदद करते हैं तो हमें उनको धन्यवाद बोलना चाहिए. क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद.